बहुत सारे मेरे मित्र यहां बिहार के भी बैठे हैं जो पत्रकार बंधु हैं। तो बिहार में दीघा से सोनपुर जिले के गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे 42 महीने में पूरा किया जाएगा और 3064 करोड़ रुपया इसके ऊपर 3064 करोड़ रुपया दीघा से सोनपुर के बीच बनने वाले 6 लेन ब्रिज जो गंगा नदी के ऊपर बनेगा, ये 6 लेन केबल ब्रिज है, इसके निर्माण के लिए मंजूर किया गया है। इसमें बड़ी बात यह है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी पुल के नीचे से आसानी से आ जा सकेंगे और जो हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 1 है उस पर चलने वाले जहाजों की नेविगेशनल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय किया गया है कि इसके नीचे से बड़े जहाज भी निकले ताकि वाटरवेज, जिसको बल मोदी सरकार ने आकर दिया है, पहले एक भी नहीं था, अब 101 वाटरवेज पे काम चल रहा है। तो वहीं पर अगर मैं सड़कों की बात करूं नेशनल हाईवे की, तो 2013-14 में इसके लिए कुल बजट जब होता था तो 31,130 करोड़ रुपया होता था, जो अब बढ़ के 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। आप कल्पना कीजिए 2014-15 में मात्र 31,130 करोड़ रुपया बजट होता था, आज वो बढ़कर 2,70,000 करोड़ रुपया हो चुका है। और यही नहीं, हमारे 91,287 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे जो बढ़कर 1,46,145 किलोमीटर हो गए, ये रिकॉर्ड वृद्धि है। अगर मैं 4 लेन हाईवेज की लेंथ की बात करूं तो 250% इसको बढ़ाया गया है, 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 46,179 किलोमीटर सब हो गए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि अब सरकार का फोकस जो है वो 6 लेन से 8 लेन हाईवेज की ऊपर भी है। तो मैं बिहार के इस पुल की एक बार फिर आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहता हूं। ये 4.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन केबल ब्रिज बनेगा जिसके ऊपर 3064 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ये दीघा से सोनपुर गंगा नदी के ऊपर बनेगा, इससे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़े का अवसर मिलेगा और इस पुल के निर्माण से जहां एक और कनेक्टिविटी आम जनमानस के लिए तो अच्छी होगी ही, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए इसमें एक और से काफी सुगम हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी और गुड्स। प्रोजेक्ट बुद्ध सर्किट जो है उसके साथ भी उसका हिस्सा है ये, वैशाली, केसरिया, अरेराज के लिए उन क्षेत्रों को भी इसका फर्क पड़ेगा। तो वहीं छपड़ा, मोतिहारी और बेतिया जिलों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी कनेक्टिविटी करेगा। ये दो ही निर्णय मुझे यहां पे बताने थे, ईपीसी मोड पर ये बनाया जाएगा। ये 3 निर्णय आपके सामने रखे।